खटीमा में जंगली जानवरों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। शादी में मेहमान बनकर आए तीन युवकों पर सोते समय किसी जंगली जानवर ने हमला कर दिया। इन तीनों में से एक की हालत काफी गंभीर है। अगर आप खटीमा से हैं या खटीमा घूमने जा रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। लगातार ऐसी खबरों से हम आपको सावधान करने की कोशिश कर रहे हैं। खटीमा में जंगली जानवरों की वजह से ग्रामीणों के बीच दहशत का माहौल है। खटीमा से जंगली जानवरों के मानवों पर हमले की तीसरी घटना सामने आई है। घर के बाहर सो रहे तीन लोगों पर जंगली जानवर ने हमला कर घायल कर दिया। तीनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टर के अनुसार विमलेश राणा की गंभीर हालत को देखते हुए हाई सेंटर रेफर किया गया है। बाकी दो अन्य की हालत सामान्य बताई जा रही है। दरअसल तीनों घायल युवक बीती रात खटीमा क्षेत्र के घोसी कुआ में शादी समारोह में आए हुए थे। सोते वक्त उन पर जंगली जानवर ने हमला कर दिया। ये दो तीन मरीज आए थे हमारे पास, इनमें से एक ही को ज्यादा मेजर इंजरी है, उसको हमने फर्स्ट एड सब दे दिया है तीनों मरीजों को। और जो पहला मरीज है जिसको ज्यादा चोट है उसको हम सुचला चौधरी रेफर करेंगे एहतियात के तौर पर। वैसे स्टेबल है, ऐसे घबराने वाली कोई बात नहीं है फिलहाल। कोई वाइल्ड एनिमल हो सकता है क्योंकि जिस चोटे हैं वो भी जंगली जानवर नहीं है, और ये तो एग्जैक्ट नहीं बता सकते हम किस जानवर ने किया होगा, लेकिन मल्टीपल चोटे हैं और काफी चोटे हैं तो किसी जंगली जानवर का ही काम लग रहा है। हम लोग अभी के अंदर सो रहे थे तो सोने के बाद अब वो गुलदार आया जंगली जानवर और वो कर झपेटा मार के घायल करके भाग गया। हम लोग देखते रहे, वो मिला नहीं, बहुत ढूंढने की कोशिश किया। आए थे हॉस्पिटल में और बोले जो कार्रवाई होगी वो कर लेंगे और जो मुआवजा होगा वो दिला देंगे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।